I'm Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन एक 5 मार्क्स के लिए भी अलग सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, और जब हमें 20 मार्क्स के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड पूछी जाती है तो उसमें भी हमें ग्रोथ हार्मोन के बारे में लिखना पड़ता है. तो ग्रोथ हार्मोन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी पेपर 2. या Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medical. Link description box में दी हुई है. So, also my book Parasitology Notes is available on Amazon. So जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपनी रिव्यू जरूर शेयर कीजिए. So, let's start with today's topic, growth hormone. So, growth hormone, what is the source of secretion? So, growth hormone is secreted by the somatotrophs, which are acidophilic cells of the anterior pituitary. तो main important यहाँ पर क्या है, growth hormone कहाँ से आता है? Anterior pituitary. So anterior pituitary का growth hormone बहुत ज़्यादा important hormone है. And it is secreted by the somatotrophs which are the acidophilic cells of anterior pituitary. Now next is the transport. So growth hormone is transported in blood by growth hormone inhibiting proteins. So growth hormone blood में कैसे जाता है? Growth hormone inhibiting proteins. तो यहाँ पर ये blood में क्यों directly जाता है? क्योंकि जो हमारी pituitary gland है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में डालता है, वहाँ पर कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है. सो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कैसे जाता है ब्लड में, बाय ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू. नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाफ लाइफ एंड मेटाबोलिज्म. हाफ लाइफ मतलब वो हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड व्हेन द पर्टिकुलर हार्मोन स्टार्ट्स degrading. So its half life is 20 minutes only and it is degraded in liver and in kidneys. So what is the action of growth hormone? So growth hormone is responsible for the general growth of the body. Yaar naam mein hai growth hormone, kis liye hai? General growth of the body ke liye hai. अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी, हमारी एनॉर्मस ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की, जो लीड करेंगी हमें गाइगेंटिज्म पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रंस कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ लीडिंग टू डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म आपने देखे होंगे ना, वो लोग जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है बट हाइट बहुत कम रहती है. सो द डिजीज हियर इज डॉर्फिज्म. और ये डॉर्फिज्म क्यों हो जाता है? क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन्स की इन चिल्ड्रंस. नेक्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट All tissues of the bodies which are capable of growing. तो जो भी tissues capable है grow करने के, तो उनकी सारों की growth के लिए growth hormone responsible होता है. It increases the size and number of the cells by mitotic division. वो क्या करता है growth hormone, वहाँ पर mitotic division stimulate करता है और उनका size और number में increase करवाता है वो cells के. Growth hormone also causes specific differentiation of certain types of cell like bone cells and मसल सेल्स. ओके, बोन सेल्स और मसल सेल्स, इन दो इन चीज़ों पर इसका ज़्यादा काम होता है. तो अब हम इन डिटेल देखेंगे मेटाबॉलिज्म पे ग्रोथ हार्मोन का क्या है. मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन होना, वो कैसे है, उसमें क्या रोल आता है. तो हम किन चीज़ों का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, वही. सो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसे हम सिंपल बताएंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन SP, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट MF एंड कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट CC. SP, MF एंड CC, सिंपल आ गया. What is that? Synthesis of protein, metabolism fat and conversion of carbohydrates. ये तीन चीज़ों में important है.
सो पहला क्या है और फिर बोन्स पे इसकी क्या एक्शन होती है, इतना लिखा तो भी इनफ है। कुछ बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा दिया, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं आपको, है ना। अब आप ऐसे स्टेज पे आ गए, आपको पता चलना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये लिखना नहीं पड़ेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इतना इनफ है। अब बोन्स पे क्या आता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर। एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जब बच्चों अपनी मम्मा के टमी में होता है। सो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स। सो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स। इन द लेटर स्टेजेस ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। इट इंक्रीजेस बोथ द लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ द बोन्स। तो ये बोन्स के लेंथ को भी इंक्रीज करता है, उसकी थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बोन अंटिल इपीफाइसिस फ्यूजेस विद द शाफ्ट विच अकर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी मतलब अराउंड 18 ईयर्स इन फीमेल एंड 20 इन मेल्स। तो क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद ऐसे बोलते हैं ना यार अभी बहुत बड़ा होगा, ये 20 साल का होगा, अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, आपने कभी सोचा है? तो क्या हो जाता है, हमारे प्यूबर्टी पर क्या होता है, हमारी इपीफाइसिस और हमारा जो शाफ्ट है उसका फ्यूजन हो जाता है। शॉफ्ट मतलब हमारे बोन की जो एंडिंग होती है वहां पर, तो उसका जो फ्यूजन हो जाता है, जहां पर मेन, जहां से मेन ग्रोथ होती है ना, रूट जिससे हम बोलते हैं ना, ऐसे रूट से, सीड के रूट से ऐसे ये निकलते हैं, पेड़ निकलता है वैसी, तो वहां पर क्या हो जाता है, इपीफाइसिस और शॉफ्ट का फ्यूजन हो जाता है। तो उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। लेंथ ऑफ बोन मतलब ही हमारी हाइट हो गई ना, तो वो नहीं बढ़ती। क्यों? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसका फ्यूजन हो जाता है। तो तब इस स्टेज पर क्या आ जाता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन आ जाता है। अगर हम ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो उसके बाद भी हाइट बढ़ सकती है। सो आफ्टर द इपीफाइसिस फ्यूजन द लेंथ ऑफ द बोन कैन नॉट बी इंक्रीज। हाउएवर इट स्टिम्युलेट द ऑस्टियोब्लास्ट्स स्ट्रॉन्गली। ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिम्युलेट करता है एंड द बोन कंटिन्यूज टू ग्रो इन थिकनेस थ्रू आउट द लाइफ। ऑस्टियोब्लास्ट को ये स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारा ये बोन की थिकनेस है, ये थिकनेस है, तो ये ऐसा था और इसी से थिक कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो द नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सब ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन इज अल्टर्ड बाय वेरियस फैक्टर, हाउएवर हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक मैकेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। जो बहुत सारे फैक्टर्स है जो ग्रोथ हार्मोन का स्टिम्युलेट करते हैं, बट जो मेन है, पहला है हाइपोथैलेमस और दूसरा है फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमने पहली वीडियो में ही देखा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, अपने हार्मोन खुद ही सीक्रेट करता है, बट जो हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन एंड इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से इनहिबिट करता है और जो स्टिम्युलेट करता है रिलीज के लिए, तो वो क्या है। सो पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड एंड देन द ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। सो रिलीजिंग हार्मोन क्या कहता है, इट इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन बाय स्टिम्युलेटिंग द सोमैटोट्रॉफ्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। सोमैटोट्रॉफ सीक्रेट करती है ना एंटीरियर पिट्यूटरी, हमने पहले देखा इस वीडियो के स्टार्टिंग में। देन द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, सोमैटोट्रॉफ्स को स्टिम्युलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है उसको तो स्टिम्युलेट करता ही करता है, उसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिम्युलेट करता है, मतलब दोनों साइड से चालू है। अब तीसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन, इट डिक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, कम कर जाता है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन। ये होगा रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। दो याद रखो यार, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, ये दो चीज़ें याद रखो यहाँ पर बस। नेक्स्ट इज द फीडबैक कंट्रोल। अब द ग्रोथ हार्मोन इज अंडर द निगेटिव फीडबैक कंट्रोल। कैसा है, ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड विच इन टर्न प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी। हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन प्लस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करता है जो ग्रोथ हार्मोन का प्रमोशन रिलीज प्रमोट करता है. एक्सक्यूज मी. सो दिस इज फीडबैक कंट्रोल. नेक्स्ट इज क्विक रिविजन. अब हम क्विक रिविजन देखते हैं हमने आज क्या क्या देखा. तो हमने देखा मेन ग्रोथ हार्मोन जो किसका है, ग्रोथ हार्मोन जो किसका है एंटेरियर पिट्यूटरी का है जो सोमैटोट्रॉफ्स सीक्रेट करते हैं. फिर उसका रेगुलेशन किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के और फीडबैक कंट्रोल के. और उसका मेन एक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस और फीडबैक कंट्रोल में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लर्न द टॉपिक वेयर. इफ सो देन प्लीज टर्न द लाइक बटन. और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून. बाय.